हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज़ मेन्यू। तो आज हम बनाने वाले हैं लीची फ्लेवर का बहुत ही क्यूट सा और इजी डेकोरेशन के साथ केक। तो इसके लिए मैंने एक कप प्रीमिक्स से स्पंज को बेक किया है और इसको 3 लेयर्स में कट करेंगे और इस लेयर्स को आज हम धागे से कट करेंगे। तो सबसे पहले हम केक में निशान लगाएंगे नाइफ से और उसके बाद धागा इस तरह से फंसा के और अपनी तरफ खींच लेंगे। इससे नीट एंड क्लीन कट जाएगा केक और चूर बिल्कुल भी कहीं से टूट फूट नहीं होगी इसमें। तो हमारा तीनों लेयर कट गया है। अब इसकी फ्रॉस्टिंग की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सोकिंग की तैयारी करते हैं। तो 1/4 कप पानी में लीची क्रश डाल के मिक्स कर लेंगे। इससे हम सोकिंग करेंगे इसकी। 1 से 1.5 चम्मच इसमें लीची का क्रश डालेंगे और इसको साइड में रख लेंगे। केक बोर्ड पर हम थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे और केक की पहली लेयर रखेंगे, इसको सोक करेंगे। और इस पर क्रीम लगाएंगे। क्रीम को अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम लीची का क्रश डालेंगे। बोर्ड इधर उधर हो रहा था तो नीचे मैंने गीला टॉवल रख दिया है और इसके ऊपर हम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को ग्रेट करके डालेंगे। फिर दूसरा लेयर रखेंगे, उसको भी हम इसी तरह सोक करेंगे, क्रीम लगाएंगे, उसको स्प्रेड करेंगे। क्रश की लेयर लगाएंगे और फिर व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को ग्रेट करके डालेंगे। व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड से बहुत अच्छा टेस्ट, थोड़ा रिच टेस्ट हो जाता है। अब इसकी हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। और क्रम कोटिंग करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग हम ये ग्रीन कलर की क्रीम से करेंगे और इस कलर को बनाने के लिए मैंने क्रीम में 1 बूंद ग्रीन जेल कलर मिलाया है और 1 बूंद ब्लू जेल कलर मिलाया है और उससे ये बहुत अच्छा प्यारा सा एक शेड रेडी हुआ है। तो अब इससे हम फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर इस तरह से हम क्रीम को स्प्रेड करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर से हम साइड को बराबर करेंगे। और इसके बीच में जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कहीं पर गैप रह गया है, क्रीम सही से लगी नहीं है, तो आप लगा के उसको फिर से स्क्रैपर चलाइए और बार बार ऐसे करते रहिए जब तक कि आपकी फिनिशिंग एकदम नीट एंड क्लीन नहीं हो जाए। इसमें आपको जितना टाइम लगे उतना लगाइए मगर फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। अब ऊपर से हम पैलेट नाइफ को अपनी तरफ लाते हुए एक्स्ट्रा जितनी क्रीम है उसको हम हटा लेंगे। उसके बाद ऊपर हम बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग देंगे नीट एंड क्लीन, क्योंकि इसमें फिनिशिंग अच्छी, इस डिज़ाइन में फिनिशिंग मुझे अच्छी चाहिए, तो बिल्कुल नीट होना चाहिए ऊपर से। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऊपर की मेरी फिनिशिंग हो गई है। अब इसके ऊपर हम पहले एक पर्पल कलर का स्वर्ल बनाएंगे और एक पिंक कलर का। बस इसी तरह से हम 4 जगह पर पर्पल और पिंक दोनों कलर का स्वर्ल वाला पैटर्न बनाएंगे। और एक बीच में भी बना देंगे और साइड में इसी तरह से 2-2 करके दोनों कलर का स्वर्ल बना देंगे, एक पिंक और एक पर्पल। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक और बना देना चाहिए तो मैंने एक और बना दिया और इस तरह से दोनों साइड से लीफ बना देंगे इस पर।
बस पाइप एंड बैग को वी कट दिया है और इसमें ग्रीन कलर की क्रीम को भरा है। अब जो तीनों क्रीम बची है, तीनों को मिला करके मैं आगे पीछे करते हुए मैं बॉर्डर बना दूंगी। इसमें जो नोज़ल लगा है वो ओपन स्टार टिप नोज़ल है, छोटा वाला, उससे ही मैं सारा काम हो गया है। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक भी ऑन टूडेज मेन्यू के ही नाम से है, तो प्लीज़ प्लीज़ जाके उसको भी एक बार फॉलो कर लीजिएगा। और इस तरह से मैंने तीनों कलर से अपने बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया। मेरे पास एक्स्ट्रा क्रीम नहीं थी, ये तीन कलर की क्रीम थी। मैंने थोड़ा 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 सा पिंक दिया, थोड़ा सा पर्पल दिया, थोड़ा सा ग्रीन दे करके इतनी क्रीम में मैंने केक को कंप्लीट कर लिया। अब इस सारे स्वर्ल के बीच में मैं वाइट कलर का पर्ल डाल रही हूँ एक अच्छी सी लुक के लिए। और साइड वाले स्वर्ल में भी मैं एक एक सिल्वर कलर का पर्ल डाल रही हूँ। सिल्वर स्प्रेस की बात करेंगे हम, बहुत प्यारी सी शाइन के लिए। मुझे ऊपर से केक थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा ऊपर से भी मैं थोड़ा सा सिल्वर वाले बॉल्स डाल देती हूँ। तो लीजिए, मेरा जो केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इसी तरह की प्यारी प्यारी डिज़ाइन को देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई डेकोरेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।